खबर है। अच्छा? दिल्ली में एक ठग ने तहलका मचा रखा है। अच्छा? और इस ठग की खासियत ये है कि ये दिन में एक ही घर लूटता है। अच्छा? लेकिन उसी एक घर को एक दिन में बार बार लूटता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग भेष में। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। दिन में एक बार बुद्धू बनना मैं समझ सकता हूँ कि हम बनते हैं, लेकिन दिन में बार बार इम्पॉसिबल। देखो दिल्ली की बात और है, मुंबई में है ना, इट्स इम्पॉसिबल। मुंबई वाले इतने स्मार्ट है कि वो खुद ठग को लूट लेंगे। हाँ। वो भी एक बार नहीं, बार बार, कई बार लगातार। बम्बई वालों में इतनी अकल होती है तो क्या? सामने ठग दिखाई दिया ना। हाँ। तो उसके आंख का काजल भी निकाल लेगी। हाँ। क्या बात करते हो। हाँ। मैं तो मुंबई में पैदा हुआ। हाँ। बम्बई में बड़ा हुआ। हाँ। एजुकेशन बम्बई में हुआ। हाँ। डॉक्टर बना, प्रैक्टिस भी बम्बई में करता हूँ। हाँ। मुझमें कहाँ अकल है? अरे नहीं बाबा, मुझमें अकल नहीं है। आप में अकल है? बोला ना, नहीं है मुझमें अकल। अरे अकल होती तो इससे शादी करता मैं। Look at this, darling. Look at this. This is typical India. And this is typical Indian house. Oh, my God. Look at this, darling. A typical Indian gate. India. And look at him. Look at him, darling. Look at him. A typical Indian man. So handsome, so charming. Look how he smiles. Look how he stands. Great, great, great. Gentlemen, my name is Charles, and she is my wife, Rolly. Hi, pleased to meet you, baby. Hi, Rolly, Polly, Rolly. यानी अब आप लोग चाहेंगे कि मैं अपना तारुफ कराऊं भाई? मेरा नाम? No, Henry, speak in English. What is your name, sweetheart? Yeah, my name is Raj, and my surname is. No, it's all right. Name is okay. You know, Raj, very beautiful name. And Mr. Raj, can we have one snap with you? Yes, please. Thank you. Look at this. Look at this, Raj. Mr. Raj, look at this. Beautiful country. India is great. Beautiful country. India is a great country. India was a great country, you know. लेकिन अब नहीं है. तुम जैसे लुच्चे लफंगे अंग्रेजों ने उसे लूट लिया, खोखला बना दिया. मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा था. I was praising you all, you know. हमें लुच्चा और लफंगा कह रहा है? बेड़ो, तेरी वाट लग जाएगी, याद रखना. वाह, हिंदी भी बोलते हैं. कितनी तरक्की की है फॉरेन कंट्री. आ रहा हूँ. बेबी, Sorry. Excuse me. ये आदमी इधर को रहता है? Oh yes, he my husband. My husband home no. Gone clinic, you know doctor. देखिए, आप अंग्रेजी में मत बोलिए, आप हिंदी में बात कीजिए. Be Indian, talk Indian. Yes. आप कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए? हम राज का दोस्त है. हाँ? हम अमेरिका से आए, बचपन का दोस्त है. तो ये तस्वीर? ये तस्वीर भी बचपन का है. ओह माय गॉड, राज जरा भी बदला नहीं, अब भी ऐसा ही लगता है जैसे बचपन में लगता था. एक्सक्यूज मी, हाउ भाई, यू कीप दिस. आप ये जो है $5,000 रख लीजिए. क्या बंबई के अंदर जेब कतरों का बहुत ही डर लगता है ना? और ये आप बैग रख लीजिए. नहीं, बैग इनको देना, डॉलर्स में संभालता हूं. ओके. आप हमको राज का पता बता सकती है? Of course. गुल्लू, तू जाके विजिटिंग कार्ड ले आ. हाँ. आप अंदर आइए ना, आप क्या लेंगे, ठंडा गरम? नो भाभी जी, क्या मेरे को बहुत काम है. हाँ. बहुत सारी शॉपिंग करनी है, राज को मिलना है, बहुत सारे लोगों को मिलना है. हाँ. फिर कभी. एक्सक्यूज मी भाभी, आप हमको कुछ इंडियन रुपीज दे सकती हैं? क्या हम शाम को डॉलर्स जो है बैंक से एनकैश करवा के रुपीज आपको वापस दे देगा? ऊपर के अलमारी में है ना 2000. हाँ, अच्छा,
मैं ले आती हूँ। अच्छा गुल्लू तू विजिटिंग कार्ड ले आ भैया। अभी लेके आता हूँ। अभी देर खड़ा रहना। थैंक यू मछली फंसी। डार्लिंग ये दोनों तो शक्ल से भी बेवकूफ लग रहा है। अगर आज दिन में हम इनको 8 बार लूट लेते हैं तो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा और गिनीज बुक में हमारा नाम आ जाएगा। आज तक का हमारा रिकॉर्ड एक ही फैमिली को एक ही दिन में 7 बार लूटने का है। डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं? अरे देख नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे ऑपरेशन की शुरुआत कहां से करूं। हेलो राज, आज है ना तुम्हारे बचपन का दोस्त आया था चार्ल्स, तो अभी तुम्हें मिलने आ रहा है क्लिनिक पे। मेरे बचपन का दोस्त? अरे कोई चार्ल्स नाम का दोस्त ही नहीं था मेरा बचपन में। क्या बात कर रहे हो, कह रहा है कोई दोस्त नहीं था। फूटो। हाँ, उसने तुम्हारे साथ तस्वीर दिखाई, तुमने वो पिंक शर्ट पहन रखी है। अरे लक्ष्मी पिंक कलर की शर्ट तो आज ही मैंने पहनी थी और आज सुबह ही मुझे कोई फ्रॉड सा अंग्रेज मिला था जिसने मेरे साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी। उसने $5,000 भी दिए और मैंने है ना उसे ₹2,000 दिए। अरे वो भी नकली था और आई एम श्योर ये $5,000 तुम्हें दे गए वो भी नकली थे। हाय हाय, कह रहा है डॉलर्स नकली है। मैं क्या सोच रहा था, ऑपरेशन कहां से शुरू करें? करेक्ट, कहां से शुरू करने का सोचा था। नेवर माइंड, फिर से सोचते। आ रहा हूं आ रहा हूं। ओ नहीं, बालक महाराज, बालक तेरा कल्याण हो। शो शो शो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अपमान, हमारा घोर अपमान। महाराज हमारी दीदी है नाराज। बालक तुम्हारी दीदी से कह दो कि एक अंग्रेज अगर उसे लूट कर चला गया है तो एक हिंदुस्तानी साधु का अपमान ना करे। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराज आपको कैसे पता चला कि एक अंग्रेज हमें लूट कर चला गया? बालक हम ज्ञानी है, त्रिकाल ज्ञानी है, हम सब कुछ जानते हैं। अरे हम जानते हैं वो अंग्रेज कहाँ चला गया है। अगर उसको वापस लाना हो तो हम हवन करके उस अंग्रेज को वापस भी ला सकते हैं। तो जल्दी से हवन कीजिए ना महाराज। हवन करना है, ये ले बालक, ये ले, हवन का सामान लेकर आ जा। तल दाना हल्दी बड़ी। लेकिन याद रहे बालक, ये सारा सामान जो है वो शुद्ध होना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। ये शुद्ध अशुद्ध की पहचान मुझे नहीं है गुल्लू, तुम लेके आओ। दीदी मैं तेरा छोटा भाई हूँ, मुझे कहीं कैसी होगी पहचान। कोई बात नहीं बालक, कोई बात नहीं। हवन का सामान हम लेकर आते हैं। एक काम करो बालिके, अंदर जाओ, भीतर जाओ और ₹1,000 लेकर आओ। ₹1,000? अलमारी में है ना दीदी, ₹1,000। अच्छा हुआ याद दिलाया, तभी लाई। बालिक जाओ और बालक जब तक हम हवन का सामान लेकर आते हैं तब तक तुम एक मंत्र पढ़ते रहना। कौन सा मंत्र? मम बेव मम बेव मम बेव मम बेव कुफम हुम कुफम हुम कुफम हुम। बहुत आसान मंत्र है ये। बालिके हम लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाते, इसमें डाल। तो हम अभी सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम मंत्र पढ़ते रहना। और लिए लो बालिके तुम भीतर जाओ और ये मेरी पोटरी जो है उसे अंदर रखो, हम अभी आता हूँ। मम बेव मम बेव मम बेव मम बेव कुफम हुम कुफम हुम कुफम हुम कुफम हुम मम बेव मम बेव मम बेव मम बेव कुफम हुम कुफम हुम कुफम हुम कुफम हुम। साथ में बोलना चाहिए, मम बेव कुफम हुम मम बेव कुफम हुम मम बेव कुफम हुम मम बेव मम बेव। डॉक्टर हाथ से ऑपरेशन की शुरुआत करेंगे तो? नहीं यार मुझे हाथ काटने में मजा नहीं आता है, कुछ और सोचो कहां से करें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक्सक्यूज मी, पकड़ना। हेलो राज, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। राज हमारे ₹1,000 मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? चार्ल्स वापस आने वाला है क्या? अरे नहीं, एक साधु आए थे, मैंने उन्हें ₹1,000 दिए और और क्या राज, वो अंग्रेज साधु बाबा बनकर हमारे ₹1,000 लूट गया। और 1,000 यानी 2,000 प्लस 1,000 3,000 का नुकसान। लक्ष्मी लक्ष्मी तुम क्या सोच रहे थे? हाथ से खून नहीं चलेगा ना,
क्या हाथ से नहीं चलेगा? हाथ से ऑपरेशन नहीं चलेगा ना? अरे हाथ से ही तो होता है ऑपरेशन। नहीं नहीं, हाथ से काटेंगे तो ओफ, मुझे सोचने दो। बाबा की कमाल। ये देख बेटी, अब तीन बार दिल से बोल धमाल 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 धमाल। ये ले बाबा की कमाल, देख कमाल। देख दीदी देख, चाचा अपने गहने लेके आ जा। नहीं, मेरे तो लॉकर में पड़े हैं। नहीं नहीं, मैंने देखा अलमारी में है। कोई डाउट? खैर, वैसे भी धमाल बाबा तुम लोगों की मदद नहीं करने वाला था। क्यों? क्योंकि धमाल बाबा सिर्फ गरीबों के साथ ही धमाल करता है। मेरा मतलब है गरीबों की मदद करता है, अमीरों की नहीं। पहले हम बहुत अमीर थे, एक ठग ने हमें लूटकर गरीब बना दिया। तो देर किस बात की बहन, जाओ अपने गहने ले आओ। जाओ जाओ। मैं अंगूठी लेके आता हूँ, मेरी दादी माँ की निशानी है। धमाल 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 धमाल। लगता है दोनों की ऊपर की स्टोरी खाली है। यहाँ से काटेंगे तो? अरे नहीं यार, तेरी टांग अलग हो जाएगी। सोचने दे मुझे। कुछ रह तो नहीं गया ना? चलना दीदी। हाँ, तू क्या लाया? अंगूठी, दादी माँ की निशानी। गुड आइडिया, चल 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 जल्दी। आ गई बेटी, आ गई। बाबा ये लीजिए। ला बेटी ला। बाबा ये देखो, एक उंगली वाली अंगूठी, उसे पांच उंगली वाली बना देना। बना देंगे। अब देखना बेटी, तेरी तो धमाल हो जाएगी। मेरा मतलब है तेरा कल्याण हो जाएगा बेटी। धमाल धमाल धमाल। क्या हुआ बाबा? हाथ अटक गया। हो गई ना धमाल। देखा बेटी, पोटली कितनी वजनदार हो गई। लेकिन एक काम करना बेटी, ये पोटली में जो गहने वो एक घंटे के बाद डबल होंगे। पोटली बहुत भारी है ना। एक घंटे के बाद प्यार से तीन बार धमाल 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 बोलना, गहने डबल हो जाएंगे। धमाल धमाल धमाल। अभी नहीं बेटी, अभी नहीं, धमाल हो जाएगी एक घंटे के बाद। यहाँ से सर अलग हो जाएगा तेरा। हाँ, मैं सोचता हूँ तुम्हारा ऑपरेशन। हेलो राज। एक मिनट, जीजाजी जीजाजी। हाँ, हम दोनों को बुद्धू समझते थे ना, हम लोगों ने अकल का काम किया है। अभी एक साधु महाराज आए थे, उन्होंने मंत्र पढ़कर दीदी के सारे गहने और मेरी अंगूठी एक पोटली में डाल दिए। एक घंटे के बाद वो गहने दुगने हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम, जल्दी से पोटली खोलो और देखो उसमें क्या है। नहीं नहीं, अभी नहीं खोल सकते। अरे बाबा मैं जिम्मेदार हूँ, जल्दी से खोलो और चेक करो उसे। दीदी जीजाजी बोल रहे खोल दो। अभी खोल दे अपने को। क्या धमाल धमाल धमाल? ऐसे नहीं, प्यार से बोलना। सॉरी, तीन बार प्यार से बोलने को बोल। धमाल धमाल धमाल। अभी हो जाएगा, तुमने देखना। आई देखा जीजा जी, आपकी वजह से एक घंटे के पहले खोला ना, इतने गहने का वो काला वीक बन गया। डॉक्टर साहब आपने क्या सोचा था? अरे चुप रहो यार, मेरे जेवर भी चले गए पता है। सारा घर लूट के गया, इस गंदी पोटली क्यों छोड़ के गया? ये भी ले जाना चाहिए था। गुल्लू मेरे भाई, संभल के खोलना, पहले पूछ लेंगे कौन है। हाँ, बहुत हो गया अभी। कौन है जी? मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है। कहाँ से आए हो?
मैं क्लिनिक से आया हूँ। क्लिनिक से आया तो ठीक है, खोल दे खोल दे। कौन है? यहाँ किसी ने गलती से उल्टा लिख दिया। सीधा पकड़। यहाँ मिसेस राज कौन है? मैं। और उल्लू कौन है? उल्लू नहीं, उल्लू। उल्लू कौन है? मैं। तू कितना चिकना है रे। भाभी जी, डॉक्टर साहब ने आपके लिए आम का बक्सा भेजा है। माँ कितना वजनदार है। डॉक्टर साहब ने कहा तुम दोनों अगर ये आम खाओगे तो तुम्हारी अकल तेज हो जाएगी और आप दोनों को कोई लूट नहीं पाएगा। ऐसे कहा? और क्या कहा? और कहा कि तुम दोनों के पास जो बचा कुचा है वो मुझे दे दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब को दे दूंगा, वो संभालेंगे, क्योंकि अब डॉक्टर साहब को आप दोनों पर भरोसा नहीं रहा। अरे हमें खुद अपने आप पे भरोसा नहीं, अब लूटने लायक इस घर में कुछ बचा ही नहीं। दीदी वो पहने हुए गहने जरा ये तो नकली है, वो असली है। ये असली है, लाइए ना भाभी जी, दे दीजिए। तुम्हारा चेहरा मैंने कहीं देखा है? हाय माँ, मुझे देखा है? कहाँ? मैंने भी तुम्हें कहीं देखा है। ए, देखा है? ए, गल्लू, तुझे मेरी सूरत चार्ल्स जैसी दिखती है? करेक्ट। तो दिखेगी ना लुच्चे, तुझे चार्ल्स फोबिया हो गया है इसलिए, समझा? अच्छा भाभी जी, तो मैं चलता हूँ। ए, तेरे पास कुछ है तो दे ना, पेन की क्यों रखी है? डॉक्टर साहब को बोला पहनना नहीं। अच्छा अच्छा भाभी जी, मैं चलती हूँ, चलता हूँ। तू चलेगा? अच्छा भाभी जी, चलता हूँ। जीजा जी भी कैसे आदमी पालते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पैसे लेने आया था ना। कौन से पैसे? तो फिर मैं यहाँ क्यों आया था, मुझे क्या पता। हेलो 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 राज। हाँ बोलो लक्ष्मी, अब तुम्हें किसने और किस तरह लूटा? अरे नहीं राज, राज देखो मेरे जेवर है ना, मैंने तुम्हारे वार्ड बॉय के साथ तुम्हारे क्लिनिक पे भेजे हैं, संभाल के रखना। हाँ और हाँ राज, ये आम बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे कौन से आम, कौन सा वार्ड बॉय, किसने भिजवाया? मुझे देखा है। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं। भाभी, आप हमको कुछ इंडियन रुपीस दे सकती हैं? कोई डाउट? वो चार्ल्स फिर से मुझे उल्लू बनाकर मेरे बच्चे हुए जेवर लेके चला गया। रोना नहीं, रोना नहीं डॉक्टर साहब, रोना नहीं, रोना। ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा, लेकिन लेकिन क्या? मैं सोचता हूं कि इस ऑपरेशन से आपको फायदा भी होगा या नहीं। एड्रेस तो यही है। अरे भैया डॉक्टर राज की दे रहे हैं। डॉक्टर राज ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन कर रहे हैं? अच्छा, ऑपरेशन थिएटर एरो मिल गया। ऑपरेशन थिएटर डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, तुम डॉक्टर राज हो? यस। अरे अरे हवलदार साहब, मैंने किया क्या? जल्दी से मेरे पैर का इलाज कर। वो अजीब बेवकूफ हो तुम, देख नहीं रहे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, बाद में आना इंतजार करो। ये चार्ल्स के बच्चे को पकड़ने के चक्कर में मेरा पैर मुड़ गया। चार्ल्स के बच्चे को जेल में बंद कर दूंगा और उसकी बत्ती से निकाल दूंगा। क्या 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 कहा आपने? चार्ल्स कहा? वही उठाएगी दंगा लुच्चा। अरे तुम मुझे जानते हो, नीचे पुलिस वैन में बैठा है, तुम जानते हो उसे? अरे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, इसी मरदूद ने तो एक ही दिन में चार बार मेरी कमाकल बीवी को लूट लिया। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, वो तो मैं ऑपरेशन थिएटर में बिजी था, घर नहीं जा पाया, वरना उसको एक ही बार में पकड़ लेता मैं, समझा? काम कीजिए। क्या? आप उसे कुछ देर के लिए मेरे हवाले कर दीजिए, मैं उसकी जम के पिटाई करूंगा, हो सके तो उसका एक आधा गुर्दा निकाल के बेच दूंगा और अपने पैसे वसूल करूंगा और फिर से आपके हवाले कर दूंगा। क्या बात करना है, तेरे को जेल में जाने का है? नहीं, नहीं। जेल में बंद होने का है? ये सब ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं सोचने का, ये सब गैर कानूनी है, समझा? क्या गैर कानूनी है? तो उसे अभी कानूनी कर देते हैं। ये लीजिए डॉक्टर साहब, आ रहे हो ना? मैं ऑपरेशन करवाने के लिए बेकरार हूँ। अरे जाम लगा रहा हूँ, देख नहीं रहे मैं कौन काम कर रहा हूँ? देखो डॉक्टर साहब, मैं 100 रुपए नहीं ले सकता, ये गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बजा फरमाया आपने। तो ये लीजिए,
1000 रुपए सारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलेगा चलेगा चलेगा। तू बहुत ही स्मार्ट है रे। अगर तू घर में होता तो ये चार्ल्स का बच्चा तुझे कभी लूट नहीं पाता। अब मैं काम करता हूँ, नीचे जाता हूँ, चार्ल्स के बच्चे को पुलिस वन में उठाता हूँ और बाद में ऊपर भेजता हूँ। करेक्ट। ओके, जल्दी जाइए। अच्छा साहब, जल्दी जाइए। आ जाता हूँ, समझ। मैं भी बेकरार हूँ। अच्छा, चार्ल्स पे ऑपरेशन करने के लिए। अब आएगा मजा। तुझे बाहर आने को किसने कहा था? आइंदा बाहर आया ना तो ऑपरेशन नहीं करूंगा, समझा? नहीं, अभी नहीं आऊंगा, सॉरी सर। हाँ चल, अब जल्दी से सोचा, ऑपरेशन करता हूँ। डॉक्टर साहब, हवलदार ने चिट्ठी भेजी है। देखा, हवलदार ने चिट्ठी भेजी, तुम जा, तुम जा। अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। जितनी बेवकूफ तुम्हारी पत्नी है उतने ही कमकल तुम हो, चार्ल्स। अच्छा शेर है। हेलो। हाँ लक्ष्मी, मैं बोल रहा हूँ। राज, क्या हुआ? अरे भाई, वो डाकू मुझे भी यहाँ आकर 1000 रुपए का चूना लगा गया। हाय हाय, नकली हवलदार का भेद बदल कर आया था। राज, मुझे तो पता नहीं चल रहा है किस पे विश्वास करूं, किस पे नहीं करूं। क्या हुआ लक्ष्मी? राज, बेलपति। देखो, पूरी तहकीकात करके दरवाजा खोलना, किसी अजनबी को अंदर आने मत देना, समझी? हाँ राज। यार, बड़ी मुसीबत में हूँ। कोई नहीं राज, हवा थी। अच्छा सुनो, हवा को भी अंदर घुसने मत देना, ये चोर बड़ा चालाक है, हवा बन के भी अंदर आ सकता है, समझी? फिर चिल्लाई, हे भगवान क्या हुआ होगा। हेलो, हेलो राज। हाँ हाँ बोलो लक्ष्मी, क्या हुआ, क्यों चिल्लाई तू? दरवाजा खुला था, हवा अंदर आ रही थी। देखो लक्ष्मी, मैं जल्द से जल्द घर आ रहा हूँ, हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए अपना घर बंद करके कहीं बाहर गांव चले जाते हैं, ओके? मैं आ रहा हूँ, इंतजार करना। चलो तुम्हारा ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन? हाँ, लेकिन पैसे लाया हो ना? लाया हूँ। चलो चलो चलो। आने दो से, इतना मारूंगी कि नानी याद आ जाएगी। याद है ना गब्बर सिंह भाई ने क्या कहा था, जो डर गया सो मर गया। Hello. 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 I'm Charles. And I'm Rolly. My wife. Yeah. Huh? रिवॉल्वर दिखाने से पहले ही बेहोश हो गए। इस बार हम टीवी लेकर जाएंगे। काठियावाड़ में। अरे गुल्लू मेरे भाई। कौन है? आप कौन है? मैं हूँ लवजी और ये है मेरी मणि। मणि मणि, क्या हुआ दीदी? मैं अंदर था, इन लोगों ने मुझे बाहर बुलाया। हाँ? यहाँ के देखा तो तू बेहोश पड़ी थी, क्या हुआ दीदी तुझे, क्या हुआ? वो हाँ? वो चार्ल्स। हाँ? और उसकी ओ, 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 हाँ? आ! क्या हुआ दीदी? अल्लाह बाबा मुंह थियो। मेरा कलर टेलीविजन। तुम्हारा टीवी पर चोरी हो गया? तुम्हारा टीवी कौन चोर के लेके गया? वो चाल छह बार मेरे घर में डाका डाल के गया। वो क्यों नहीं, एक बार में सब कुछ लूट के जाता। अच्छे लक्ष्मी बहन, अच्छे रडो माँ, तुम रडो मत। देखो लक्ष्मी बहन, हम चोर को पकड़ने का आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता है। उपाय बताता है क्या? बताओ बाबा। ये और लक्ष्मी बहन, ये रस्सी रखो, रुमाल लाओ, ये रुमाल रखो, जैसा ही चोर आएगा ने ये रस्सी से चोर को बांध देने का। लेकिन कैसा? इलाट होया जेवा, वो भी तेरे को बताना पड़ेगा। फिर ऐसा गोल 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 घूमने का, एक बार घूमया गरबे के माफी घूमने का, कैसे
लिया मणि से बांध ऐसा करके बांध देने का गुड आइडिया गुड आइडिया गुड आइडिया रुमाल का क्या करने का मैं जानता था तू जरूर पूछेगा पहचाना नहीं क्या मेरे को मैं हूँ चार्ल्स राजा और ये है मेरी रॉली दिखाता हूँ मैं क्या रे क्या समझता है पहचाना रॉली यस डार्लिंग अब हम यहाँ से फ्रिज लेकर जाएंगे फ्रिज कहाँ है मुझे छोड़ दोगे ना हाँ छोड़ दूंगा फ्रिज अंदर है अंदर है मुंह खोल क्या डाले देखा दरवाजा खुला छोड़ाते फिर बोलते चोर आ जाते अरे अरे ये क्या हो गया किसने ये हाल बनाया तुम्हारा अरे कुछ बोलो भी अरे लक्ष्मी किसने हाल बनाया तुम्हारा ये किसने चार्ल्स चार्ल्स वो आया था अंदर है क्या अंदर आके सब माल लेके बाहर चला गया ना ही वो मरता है ना ही हमें जीने देता है एक बात सुनो वो फिर से आने वाला है नहीं अरे आने तो दो से उसके टुकड़े टुकड़े करके कबूतरों को खिला दूंगा मैं कौन क्यों क्या काम रहे हो तूफान आया है क्या तूफान नहीं चार्ल्स आया मुबारक हो मुबारक हो आज हम तुम्हें आठवीं बार लूट के नया रिकॉर्ड बनाएंगे गिनीज बुक में हमारा नाम होगा हमारा पहला रिकॉर्ड था एक ही दिन में एक ही फैमिली को सात बार लूटने का चलो बचा कुचा माल निकालो निकालो पास हाँ निकाल ये ला ये क्या बेवकूफी कर रहे हो मैं कहता हूँ चाकू फेंक दो और तुम भी क्या बेवकूफी कर रहे हो मैं कहता हूँ पिस्तौल फेंक दो ये बात है विजय जी क्यों पंगा ले रहे हो फेंको ना ये क्या बकवास कर रहा है जैसे ये चोर नकली ना वैसे रिवॉल्वर भी नकली होगा ये बात है मैं अभी गोली चलाता हूँ अभी गोली चलाता हूँ चार्ज नहीं असली रिवॉल्वर रखना हमारे उसूलों के खिलाफ है मैं इन पति पत्नी को बेवकूफ बना के लूटना चाहता था देखा इसे कहते सुनार की सौ और लोहार की एक चलो पुलिस स्टेशन नहीं देखिए देखिए आप मुझे अगर छोड़ देंगे तो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा वो कैसे देखिए मैं और मेरी पत्नी बनेंगे दुनिया के सबसे चालाक पति पत्नी और तुम दोनों बनोगे दुनिया के सबसे बेवकूफ पति पत्नी राज छोड़ दो अरे क्या पागल हो गई हो तुम आपका नंबर तो किसी को दिया नहीं है आपका मोबाइल फोन तो मेरे पास है ना मोबाइल फोन अरे हाँ मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया मगर आप अपना मोबाइल फोन मेरे पेट में भूल गए हेलो हेलो डॉक्टर राज सेठी है हाँ बोल रहा हूँ मैं आपका पेशेंट बोल रहा हूँ हाँ बोलिए आपने मेरे पेट का ऑपरेशन किया था ना हाँ हाँ वो तो सक्सेसफुल हो गया कांग्रेचुलेशंस लेकिन आपका पेजर मेरे पेट में रह गया